नहीं है, 2 साल से ज्यादा की सजा होगी तब चुनाव लड़ने पे बैन होगा, वो भी मात्र 6 साल का। और पार्टी बनाने और पार्टी पदाधिकारी बनने पे तो कोई बैन ही नहीं है। लालू यादव सजा याफ्ता है, पार्टी अध्यक्ष है। चौटाला सजा याफ्ता है, पार्टी अध्यक्ष है। शशिकला सजा याफ्ता, पार्टी अध्यक्ष। मधु कोड़ा सजा याफ्ता, पार्टी अध्यक्ष। कम से कम 50 ऐसे लोग हैं जो सजा याफ्ता हैं, चुनाव नहीं लड़ सकते लेकिन चुनाव लड़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे देश में संविधान के मूल प्रावधानों पे गंभीरता के साथ चर्चा नहीं हुई। और दूसरा एक बड़ा कारण ये था कि संविधान को हमने भारत के चश्मे से पढ़ा ही नहीं। संविधान को हमने या तो ऑक्सफोर्ड के चश्मे से पढ़ा, कैम्ब्रिज के चश्मे से पढ़ा, यूरोप के चश्मे से पढ़ा, अमेरिका के चश्मे से पढ़ा, लेकिन भारत के चश्मे से नहीं पढ़ा। जबकि ये संविधान आप ध्यान से अगर आप पढ़िए तो जो ये बातें इसमें लिखी हुई हैं वो 15,000 साल पहले, 20,000 साल पहले भारत में लागू हो चुकी है। जैसे इसमें लिखा है लोकतंत्र होना चाहिए, आज की डेट में कितनी पार्टियों में लोकतंत्र है मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन आज के हजारों साल पहले जब भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि चूंकि दशरथ जी के लड़के थे इसलिए राम राजा बन गए। नहीं, ऐसा नहीं है। जिसको आज पार्षद कहते हैं उसको पहले सभासद कहते थे। और उस समय दशरथ जी ने उस अखंड भारत में, यानी पाकिस्तान बांग्लादेश ये सारा वो भारत का हिस्सा था, उस भारत के सभासदों की बैठक बुलाई, सारे सभासद आए, बाकायदा गंभीरता के साथ चर्चा हुई। चर्चा के बाद सबने, ज़्यादातर लोगों ने कहा कि जो सबसे ज़्यादा योग्य है वो श्री राम है, इसलिए उनको ही युवराज घोषित करना चाहिए। तब वो घोषणा हुई थी, राम भगवान, दशरथ जी ने अकेले घोषणा नहीं कर दिया था। एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए सबसे आवश्यक है कि हमारा जो कानून हो वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गंगानगर से श्रीगंगानगर तक, कच्छ से कामरूप तक एक हो, और जो कानून हो वो हमारा श्रेष्ठ हो। दो ही काम करना पड़ेगा। चूंकि आज का मुख्य विषय कॉमन सिविल कोड है, दुनिया के 125 देशों में शादी विवाह की उम्र समान है, या तो 18 साल है या 19 साल है या 20 साल है, कुछ देशों में 21 साल भी है, लेकिन 125 देशों में शादी विवाह की उम्र समान है। हमारे भारत में आज भी, चूंकि अभी बिल पास नहीं हुआ, आज भी शादी की उम्र हिंदू जैन बौद्ध सिख में 18-21 है। हमारी मुस्लिम बेटियों की शादी की उम्र 9 साल है। कैन यू इमेजिन? जहां कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि 14 साल तक के पहले मजदूरी नहीं करा सकते, 18 साल के पहले वोट नहीं डाल सकते, वहां 9 साल शादी की उम्र। और जानते क्यों है? अंग्रेज करके गए थे। अंग्रेजों ने भारत को लूटने और बांटने के लिए बहुत सारे कानून बनाए, उसमें से एक कानून उन्होंने 1937 में बनाया था जिसको शरीयत एक्ट कहते हैं, और वो कानून अभी तक खत्म नहीं हुआ, चल रहा है। जबकि कायदे से आर्टिकल 13 क्या कहता है? आज की डेट में भेदभाव करने वाले सारे कानून खत्म, सारी कुरीतियां खत्म, सारे कुप्रथाएं खत्म, आर्टिकल 13 कहता है। तो कायदे से 1950 में जब हमारी सरकार बनी, 51-52 में ही पार्लियामेंट में एक रिजोल्यूशन लाना था, भैया देखो आज के पहले शादी विवाह की जो उम्र थी, जो थी, जो जैसे भी थी, आज से अंग्रेजी कानून खत्म और भारत की व्यवस्था के अंदर अंतर्गत शादी विवाह की उम्र समान होगी। अधिकांश लोगों को पता ही नहीं था, जब मैंने 2018 में PIL फाइल किया कि लड़के लड़की की शादी की उम्र बराबर करो, 125 देशों में समान है, WHO कह रहा है कि शादी की उम्र 18 से कम होनी नहीं चाहिए, NHRC बार बार रिकमेंड कर रहा है।